बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा और सीरीज़ में हम सारे लेक्चर कंटिन्यूसली इसको डिलीवर कर रहे थे, तो आज उस सिलसिले का लेक्चर नंबर 11 है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है आमतौर पर एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है सवाल, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है पहले उसकी डिफ़ाइन करना होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। फिर जो है उसका आपने अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, उसकी वर्किंग बतानी होती है कि किस सेल के अंदर, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर उसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह कर रहे हैं, और एंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो उसकी केमिस्ट्री बतानी होती है। केमिस्ट्री से मुराद उसके रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स मीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कैनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो आइए, चूंकि ये सवाल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का है, आपकी बुक में जस्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन भी दोबारा शामिल कर दें तो ये आपका क्वेश्चन ज़्यादा इंप्रूव्ड हो जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पर नोट लिखें सबसे पहले उसको डिफाइन ज़रूर कर। ये इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोलिसिस बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है दो अल्फाज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और लाइसिस। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेकर, किसी चीज़ को तोड़ना, डिकम्पोज करना, आइसोलेट करना, सेपरेट करना, अलहदा करना। तो बिजली के ज़रिए से अगर आप किसी चीज़ को अलहदा कर दें, किसी चीज़ के पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को, कल मैंने एग्जांपल दी थी कि ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, इसके दो पार्ट्स हैं, ये दो कंपोनेंट्स आपस में जुड़ा हुआ है, अगर मैं इनको ऐसे अलहदा कर दूँ तो ये डिकम्पोज हो गया, ये आइसोलेट हो गया, सेपरेट हो गया, अलहदा हो गया, जुदा जुदा हो गया। तो अगर बिजली के ज़रिए हम किसी केमिकल कंपाउंड के आयंस को जुदा जुदा कर दें तो वो कहलाती है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। द केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल के ज़रिए से, फिजिकली नहीं, किसी फोर्स के साथ नहीं, किसी जो है ना ज़ाहरी तौर पर किसी चीज़ के साथ अलहदा नहीं करना, बल्कि किसके ज़रिए, केमिकली डिकम्पोजिशन यानी अलहदा कर देना, तोड़ देना, सेपरेट कर देना, किसको, ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड को, किस में, इन टू इट्स कंपोनेंट्स, उसके अज्जा में। कीमियाई तरीके से आप किसी कंपाउंड को उसके अज्जा में तकसीम कर, कल हमने पढ़ा था कि NaCl था, उसमें से करंट पास किया, वो दो अज्जा से मिलकर बना था, Na और Cl से, Na जुदा हो गया, Cl जुदा हो गया। इसी तरह कोई भी आप कंपाउंड ले लें, अगर उसके कंपोनेंट्स में उसको जुदा कर दिया जाए, कैसे, बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ बिजली का करंट गुजारने से, थ्रू द सोल्यूशन, उस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड से, या आर इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड, या उस कंपाउंड को अगर वो सॉलिड फॉर्म में है उसको आप गर्म इतना कर लें कि वो मेल्ट हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो मोल्टन फॉर्म, पिघली हुई हालत में से भी अगर आप करंट गुजारेंगे तो भी उसके वो अपने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस क्यों हुई, बिकॉज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन हो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आगे हम आते हैं जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे। कहता जी प्योर वाटर जो होता है इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर जो है बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ याद है क्या पढ़ा था, कि वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बहुत लीस्ट यानी बहुत कम आयोनाइज हों, यानी अपने आयंस में बहुत कम डिवाइड हों, उन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो बहुत ज़्यादा अपने आयंस में डिवाइड हो जाएँ वो स्ट्रांग, जो बिल्कुल ना हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये अपने आयंस में बहुत कम जो है डिकम्पोज होता है। फिर क्या किया जाता है जी, आखिर हमने इट आयोनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ये बहुत कम आयोनाइज होता है, यानी यूँ कह लें अगर आपके पास 1000 उसके जो है मालिक्यूल्स हैं तो हो सकते हैं उसमें से 2-3 जो है वो आयोनाइज होते हैं, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये। द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्या होता है जी, हाइड्रोजन अगर आयन की बात करेगा तो यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल, एंड हाइड्रोक्साइड आइन। अब वाटर के देखें एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हम, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। एलिमेंट की बात करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ जो है वो जब अपने आइन्स में डिवाइड होगा, एच आइन और ओ एच आइन यानी हाइड्रोक्साइड आइन आर बोथ एट 10^-7, 10^-7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिव, यानी जब इनकी आयनाइजेशन होती है तो कितनी होती है जी, 10^-7, बहुत कम मिकदार है। अगर हम 10 की, ये जो 10^-7 साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें
तो देखें जरा, 1 2 3 4 5 6, ये सेवन नहीं आएगा, सेवन तो उसकी टोटल तादाद आ गई। तो ये देखें इतना कम होता है, यानी ये तो कोई जो है एक मिलियन में से भी चंद एक जो है ना मोल वो उनकी आयनाइजेशन होती है, मतलब बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा भाई फिर हमने इसकी आयनाइजेशन तो करनी है, हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस तो करनी है, फिर क्या करेंगे? व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड, अगर कहता है इस पानी के अंदर आप चंद कतरे किसी एसिड के डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें, तब क्या होता है जी, इट्स कंडक्टिविटी इंप्रूव्स, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसमें जैसे करंट का फ्लो बढ़ जाता है, इसके आयनाइजेशन का रेट बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी ये H2O है, ये वाटर है, यहाँ छोटा सा बुक में यहाँ L लिखा होता है, ये जो यहाँ इस तरह कहीं अगर L लिखा हो तो वो उसकी फिजिकल स्टेट को शो कर रहा होता है, तो ये लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में L लिखा होगा। अच्छा कहीं जो है छोटा सा G लिखा होगा, इट मीन्स गैस, कहीं जो है S लिखा होगा सॉल्वेंट, अच्छा कहीं AQ लिखा होगा, इसका मतलब एक्वस है यानी पानी की हालत में। तो ये जो वाटर का एक हमारे पास मोल है, जब इसमें से हम एसिड डालते हैं, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं और करंट पास करते हैं, तो ये क्या होता है जी, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में डिवाइड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है, जुदा जुदा हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग हो जाता है। अब अगर हमारे पास ये वाले जब जो बनाए जाते हैं, जहाँ ये आप क्योंकि ये उस पानी की हालत में है, इसलिए हम इनके साथ क्या लिख देते हैं जी, एक्वस, यानी ये एक्वस की फॉर्म है, यानी पानी वाला वो जो सोल्यूशन है जो हमारे पास है उसी के अंदर ये पाए जा रहे हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास 4 मोल थे वाटर के, अगर हम ये 4 लेते हैं तो 4 से हाइड्रोजन आयन कितने बनेंगे, वो भी 4 बनेंगे, और हाइड्रोक्साइड कितने बनेंगे, वो भी 4 बनेंगे। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग कि किस तरह जो है ये जो हमारी जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो है हमारे पास एक स्पेशल जो है इंस्ट्रूमेंट जो है ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं, आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम दी गई है। इसमें हमारे पास इस तरह ये 2 जो है इसके अंदर जो है ट्यूब्स लगी होती हैं, एक साइड को हम इलेक्ट्रोड, ये दोनों इसके नीचे वाले इलेक्ट्रोड हैं, यहाँ पर हम एक सिरे पे एक को एनोड करार दे देंगे, एक को कैथोड करार दे देंगे, ये हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ ऊपर से ये जो फनल सी दी गई इसमें से इसके अंदर क्या किया जाता है, पानी ऐड किया जाता है। बाकी इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वर्किंग में क्या किया कहता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, अब वो वाटर हमने कहा था कि उसकी बहुत कम आयनेशन होती है, उसकी आयनेशन बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने उसके अंदर क्या ऐड किया, कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाली। अब वो वाटर जिसके अंदर आपने कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड कर लिए वो कहलाएगा एसिडिफाइड वाटर, उसका नाम क्या हो गया, एसिडिफाइड वाटर है जी। उसमें क्या होगा जी, OH जो आयन्स हैं, यानी OH, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, एनायन। तो ये जो है एनायन जो हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाले को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी कैटाइन कहेंगे। देखें जिसके ऊपर वो टुवर्ड्स आ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड जो एच आइन होंगे मूव टुवर्ड्स आ नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देखें जिसके ऊपर नेगेटिव आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो टर्मिनल के ऊपर कौन सा चार्ज हो, तो ये किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, हम यहाँ लिख देंगे दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। अच्छा जी दूसरा आयन, ये OH तो चला गया क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया। अब दूसरा जो इसका हिस्सा है, दूसरा जो इसका आयन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, कैटाइन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, कैटाइन। अब ये किस, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये किस तरह मूव करेंगे, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसका हम नाम रख देते हैं जी कैथोड, उसका नाम क्या होता है जी, कैथोड। एंड डिस्चार्ज टेक प्लेस एट दीज इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिस्चार्ज होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें हमारे पास, लेट्स सपोज ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है कैथोड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये देख यहाँ इसके ये नेगेटिव और ये इसके ऊपर जो है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला हमारा क्या कहलाएगा, एनोड, ये क्या कहलाएगा, कैथोड। इसके साथ जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे इसके अंदर पहले वाटर फिल कर लेंगे, ये यहाँ से इसको जब टर्मिनल लगा कर इसको सील कर दिया जाता है, यानी नीचे से बंद कर दिया जाता है ताकि वाटर नीचे,
अब होगा क्या, वाटर की क्या होगी, आयनाइजेशन होगी, यानी ये जो पानी इसके अंदर मौजूद है उसके अंदर एच आइन भी होंगे, ओ एच आइन भी होंगे। जो नेगेटिव चार्ज वाले ओ एच आइन है वो किस तरफ आएंगे, एनोड की तरफ, और जो पानी के पॉजिटिव चार्ज वाले यानी हाइड्रोजन आइन थे वो किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, और यहाँ जाकर वो डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो लूज़ कर देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो गेन कर लेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होती है, एट एनोड। रिडक्शन कहाँ पे होती है, एट, बस यही केमिस्ट्री इसकी एक्सप्लेन करनी। इस तरह कहता, जो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगी एट कैथोड पे होगी, एनोड पे होगी, और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होगी, कैथोड। आइए पहले हम इसको, ये लिखने से पहले हम वहाँ बकायदा इसकी केमिस्ट्री चेक कर लेते हैं, वहाँ से जो कन्फर्म हमें होगा वो यहाँ लिख देंगे। इसकी जो है ना केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, इसी रिएक्शन को आगे लेके चलते हैं। इसी रिएक्शन को मैं ज़रा दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारे पास, पहले तो आप इसकी आयनाइजेशन देख लेंगे, ये वाटर था, ये जब जो है इसमें से करंट गुजारा हमने, एसिड डाल के क्या गुजारा, करंट गुजारा, तो ये एच आइन और हाइड्रो ऑक्साइड आइन यानी हाइड्रो ऑक्सल आइन में चेंज हो गया ओ एच में। हम कह रहे हैं लेट सपोज हम इसके चार मोल लेते हैं, अगर ये चार होंगे तो ये भी चार हो जाएंगे, ये भी चार हो जाएंगे, इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। अब हमने ये देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, हमेशा एनोड पे। अब इसके अंदर जो है एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, इसकी डिस्चार्ज कैसे होती है, इसकी कैसे, ये ओ एच जो है इसके ऊपर नेगेटिव क्या शो कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। ये जो है ओ एच जो है, अब देखिए हमारे पास इधर ज़रा थोड़ा सा देख लेंगे, चार ऑक्सीजन है हमारे पास, और चल मैं यून लिख देता हूँ, ऑक्सीजन कितने हैं जी हमारे पास, चार है, और हाइड्रोजन कितने हैं जी, वो भी चार है। हम क्या करते हैं, जब इसमें से चार इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, दो एच और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा जी, वाटर बना देगा। दो इसमें से चार हाइड्रोजन है, चार ऑक्सीजन आपके पास पड़े हैं, चार में से आपने दो हाइड्रोजन लिए एक ऑक्सीजन ली, क्या बन गया, H2O यानी वाटर बन गया। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास कुछ चार ऑक्सीजन थे, अभी तो एक ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है, दो ऑक्सीजन ये आ गए, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, तीन। अच्छा आपके पास जो है H चार थे, यहाँ कितने इस्तेमाल हुए आपके, दो। ऑक्सीजन चार थे, यहाँ कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, तीन। अगर हम इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं, आप देखें इस तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, इधर कितने हो गए, चार। ऑक्सीजन पे आ जाए, दो ऑक्सीजन ये हो गए क्योंकि ये टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दो ये हो गए, कितने हो गए, चार। अच्छा जी, अब इसके पास ये चार, एक ओ एच के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, एक हाइड्रोक्साइड आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है, और चार के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चार। तो ये चारों अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं जी, रिलीज कर देते हैं, ये चार इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाता है जी, लॉस हो जाता है। अब देखें यहां पर इस रिएक्शन में, यहां से यहां पहुंचते हुए हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट वाली साइड पे अगर हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड है, और ये काम कहां पे हो रहा है, एट एनोड। ऑक्सीडेशन कहां पे हो रही है जी, एनोड पे। अब देखें जी साथ साथ इस पे तो हो गई ऑक्सीडेशन आपकी, रिडक्शन के लिए अब आपके पास दूसरे वाला जो आयन था वो क्या है जी, अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट लिख दें यहाँ साथ, ये एक्वस फॉर्म में था, वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में बनता है, ये जो है गैस बन जाएगी, ठीक हो गई। अब वो वाला ले आए जो खा के, ये फोर एच है, अब एच पॉजिटिव का मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक एच के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर आपके पास चार एच आइन है तो वो चार इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा, जो रिमूव करेगा, ये कहता है ये चार इलेक्ट्रॉन मुझे दे दें जी, ये चार इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, अब ये क्या बन जाएगा जी, इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये खत्म हो जाएगा, यानी फोर एच बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, फोर एच को हम दोबारा अगले स्टेप में यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता, इसका जो है वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता, ये फौरी तौर पर किसी और के साथ रिएक्ट करेगा अपना डुप्लेट बनाने के लिए, अगर ना हो सका तो ये अपने आप के साथ मिलके जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, यानी H2 की फॉर्म में आ जाता है, तो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया, मोनोटॉमिक से किस में आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया। अब ये चार थे तो हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किस फॉर्म में बन गई जी हमारे पास, ये गैस बन जाती है, ये भी अगर इसकी हम फिजिकल स्टेट लिखें तो ये एक्वस था और ये जो है
गैस बन गई, और यहाँ भी ये गैस थी तो फिर यहाँ भी गैस रहेगी। तो ये दो छोटे से इसके अंदर रिएक्शन है। बच्चे बड़े परेशान होते हैं इस बारे में कि जनाब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझनी है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होती है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन होती है, तो आपको ये स्टेप समझने में कोई मुश्किल नहीं हो सकती। वेरी सिंपल, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वहाँ रिलीज कर दो, जहाँ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन हमेशा जो है एनोड पर टेक प्लेस करती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं वो आपकी क्या होगी, रिडक्शन, और वहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो वह रिडक्शन कहाँ पर होती है, हमेशा कैथोड। अच्छा, अब हम वो जो लाइन छोड़ी थी लास्ट में, हमने वहाँ कहा था जी द ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस एट, उस वक्त हमें नहीं पता चल रहा था कि ऑक्सीजन गैस कहाँ पैदा हुई थी। ये आपका आगे जाके एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वेयर इज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, एट व्हाट इलेक्ट्रोड जो है हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। तो हम जब देखेंगे, हम एक्चुअल देखेंगे कि हमारी ऑक्सीजन यहाँ प्रोड्यूस हो रही, ऑक्सीडेशन कहाँ प्रोड्यूस हुई, एट नोड। तो हम यहाँ लिख देंगे द ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट एनोड, एट एनोड। अगला जी द हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस एट, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस कहाँ पैदा हुई है जी, कैथोड पे रिडक्शन हुई थी, रिडक्शन कहाँ पे हुई है, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर जो है उसकी रिडक्शन हुई है। अब हम यहाँ लिख देंगे एट कैथोड। इस सवाल का भी आंसर मिल गया हमें। अब एंड में लिखना होता है हमने ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन जो होता है वो इसी का मजमूआ ही लिखना होता है। हम बेसिकली अगर देखें तो हमारे पास जो था वाटर था, वाटर किस में डिवाइड हुआ, उसे क्या चीज़ बना, हाइड्रोजन बनी गैस, और क्या बनी, ऑक्सीजन गैस बनी और हाइड्रोजन गैस बनी। अब ये वाटर जो है, हाइड्रोजन यहाँ दो हैं, यहाँ भी दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन दो हो गए हैं, हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं जी, इसको अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको भी टू से करना होगा और वो बैलेंस होगी। ये ओवरऑल आपका रिएक्शन है। अब ज़रा इसके जो है हम डायग्राम पे आते हैं। याद रखिएगा, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, अगर बुक में डायग्राम दी गई है तो आपने एग्जाम में उस तरह की डायग्राम बनानी है, अदरवाइज आपका वन मार्क डिडक्ट हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। ये एक जनरल असूल है बोर्ड का। ये आपके पास, हमारे पास ये एक्चुअली जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेसिकली, इसको जो है हम क्या कह सकते हैं जी, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी वो सेल है जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलिसिस होती है, वो हमने कल बताया था। अब इसमें जो है हमारे पास जो सब्सटेंस है जिसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वाटर है तो उसकी कंस्ट्रक्शन बताई गई है कि जी ये देखिए, मैं इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वाला सिरा जहाँ पर हमने नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ना है, इसको हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, इसको हम कहेंगे कैथोड, ये क्या कहलाएगा, कैथोड। और ये दूसरी साइड जहाँ पर हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये जैसे हमारे पास ये बैटरी है, छोटा जो सा जो सेल होता है इसको हम केमिस्ट्री की ज़बान में बैटरी ही बोलते हैं, तो इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो हम इधर कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव सिरे को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और इसके अंदर जो है, अभी हमने इसको मुकम्मल आपको नहीं ऑपरेट करके दिखाया, इसके अंदर प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड, ये जो है मेटल है, हम लगा देते हैं इसके अंदर एक प्लाटिनम, उसके साथ ये तारें जोड़ देते हैं, ये बैटरी आपका जिस तरह ही होगी। अब इधर से वाटर ऐड करते हैं, अब चूंकि ये एनोड है, एनोड पे क्या होनी है जी, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पैदा हुई, ये वाटर के अंदर ही गैस पैदा होती है, और ये यहाँ इसके ऊपर वाली सतह पर चली जाती है। यानी अगर हम इसके अंदर जो है, यहाँ अगर निशान लगा लें सपोज कि ये है, यहाँ तक हम इसको वाटर फिल करते हैं, तो जब ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे होती है और ऑक्सीजन गैस पैदा होती है, वो यहाँ इसके ऊपर वाले हिस्से में आ जाती है, ये कैथोड है, इधर रिडक्शन होती है, इधर कौन सी गैस पैदा होती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चूंकि जो है पानी से हल्की है इसलिए इसकी पानी की सतह के ऊपर आ जाती है, इस जगह पर आ जाती है। तो यहाँ जो है कैथोड पर हाइड्रोजन पैदा होती है, एनोड पर क्या पैदा होती है, ऑक्सीजन पैदा होती है। ये था जी हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। आपका कुछ सवाल इससे रिलेटेड जी, आप लोगों से सवाल पूछ लें फिर जी। मिस्टर कासम खड़े हो जाएं जी प्लीज। वेयर इज द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, व्हाई, हाउ कैन यू जस्टिफाई इट, बिकॉज एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस और सर वहां पे हमारे पास OH नेगेटिव आयन भी वहां पे मूव करते हैं, इस वजह से। नहीं नहीं, ये तो कोई जवाब ना, आप बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जनाब वहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कहाँ हुई जी, कैथोड। क्यों हुई जी, वहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हैव अ सीट प्लीज। हाँ जी, मैं और किसी से क्वेश्चन पूछ लूँ जी। जी इब्राहिम कासिम खड़े हो जाए। ऑक्सीजन कहाँ पर प्रोड्यूस हुई, ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हुई, मतलब मेरा जो सवाल है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस इलेक्ट्रोड पे हुई? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गई, क्यों हुई? इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, यस बिल्कुल, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कहलाएगी आपकी? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगी? रिडक्शन। ठीक है जी, इट्स ओके, थैंक यू, जजाकुमुल्लाह खैर, वासनफिल जजाक।